पीहू अपनी भरी हुई आंखों के साथ सीधा दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई, क्योंकि इस वक्त उसके होठों पर हल्के कट लगे हुए थे और उसके चेहरे का मेकअप भी खराब हो गया था। वही खुद को इस तरह से धक्का देने के कारण अक्षय को काफी गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था वाइफी, पर उल्टा तुम ही मुझसे नाराज होकर चली गई। पर तुम्हारी नाराजगी बेवजह है, क्योंकि मेरा गुस्सा जायज था। मैं तुम्हें नहीं देख सकता, किसी और के साथ यहाँ पर दर्द होता है। इतना कहकर अक्षय ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें छूने का, तुम्हें किस करने का, हर चीज का हक सिर्फ मेरा है, उसके अलावा किसी का नहीं। इतना कहकर अक्षय सीधा सेट से बाहर निकल गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद अक्षय प्रोड्यूसर खान के केबिन में बैठा हुआ था। प्रोड्यूसर खान ने डरते हुए कहा, जी सर कहिए। अक्षय ने प्रोड्यूसर खान को चील जैसी अपनी नजरों से घूरते हुए कहा, मूवी में किसिंग सीन है क्या? प्रोड्यूसर खान ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर ज्यादा नहीं, बस 2-4 किसिंग सीन्स है। प्रोड्यूसर खान की बात सुनकर अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, 2-4 नहीं, एक भी किसिंग सीन मेरी वाइफ नहीं करेगी। अगर तुम्हें किसिंग सीन्स कराने हैं तो उसकी बॉडी डबल से करवाओ, या फिर तुम्हें जो करना है वो करवाओ। मेरी बीवी किसी और को किस नहीं करेगी, और जब तक जरूरत ना हो हग करने की सीन भी नहीं होने चाहिए। अक्षय की बात सुनकर प्रोड्यूसर खान ने मन ही मन कहा, ये कैसा पागल आदमी है, अपनी बीवी को एक्ट्रेस बनाना चाहता है और उससे ये सब नहीं करवाना चाहता, तो फिर क्या करवाना चाहता है। प्रोड्यूसर खान का चेहरा देखकर अक्षय ने कोल्ड आवाज में कहा, दिल ही दिल में बुराई करके हो गया हूँ, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी यह फिल्म तो बनने से रही क्या? तुम्हारी आगे एक भी फिल्म नहीं बनने दूंगा। आखिर में प्रोड्यूसर खान ने हार मानते हुए कहा, सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अक्षय ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वेरी गुड, पर एक बात याद रहे, सेकंड लीड एक्ट्रेस माया सिंघानिया को फिल्म में ना के बराबर रोल मिलना चाहिए। उसकी पहले इतनी तारीफ करो कि हम वह हवा में उड़ जाए, पर किसी जूनियर आर्टिस्ट से भी उसके रोल कम होनी चाहिए, और जितना भी दिखाओगे तो सब नेगेटिव होना चाहिए। प्रोड्यूसर खान ने अपना सर हिलाकर अक्षय को जवाब दिया। अक्षय ने प्रोड्यूसर खान को एक नज़र देखा और सीधा केबिन से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर चला गया। वह अब पीहू से नाराज था, जिस वजह से वह पीहू से मिलने भी नहीं गया। वही वॉशरूम में पीहू ने खुद को ठीक किया। उसने हल्का मेकअप भी कर लिया था। अब उसके चेहरे पर फिर से पहले की तरह नूर वापस आ गया था। पीहू में मन ही मन अक्षय को कोसते हुए कहा, सब अक्षु की वजह से हुआ, हमें फिर से मेकअप करना पड़ा। इतना कहकर उसने धीरे से अपने होठों पर लिपस्टिक लगाए। अब लिपस्टिक लगाने के कारण उसके होठों पर बने कट्स नहीं दिख रहे थे। एक बार खुद को मिरर में देखने के बाद भी पीहू ने कहा, फाइन हो गया। तभी पीहू के दिमाग में अक्षय की बातें आई। पीहू ने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद भी किसी को किस भी ना करूं और हग भी ना, तो मेरा करियर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। वैसे भी पीहू को किसी को किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एक एक्टर के लिए यह उसका काम होता है। चाहे दुनिया की नज़र में ये कितना ही वाहियात क्यों ना लगे, पर जब कोई प्रोफेशनल एक्टर किसी दूसरे को किस करता है, तब उसके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि रियलिस्टिक लगाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। भी यही पीहू का यही मानना था कि एक एक्टर के लिए ये सब चीजें करना नॉर्मल बात है। पीहू ने फिर से एक बार खुद को मिरर में देखा और सीधी बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद उसका ध्यान आशीष की तरफ गया, जो किसी जूनियर आर्टिस्ट के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। आशीष के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, वह अपने जूनियर को काफी अच्छी तरीके से समझा रहा था। वही आशीष को देखकर पीहू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अक्षु आप गलत है, आशीष बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनका लगाव जो एक्टिंग के लिए है उन्हीं की जैसे मैं उनकी फैन हूँ।
वही माया जो कि साइड में बैठकर करण के साथ कुछ बातें कर रही थी, जैसे ही उसका ध्यान पीहू की तरफ गया जो मुस्कुराते हुए आशीष को देख रही थी, और आशीष भी किसी और से बातें करते हुए बार बार पीहू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उन दोनों को देखकर माया के दिमाग में कुछ आया, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र करण को देखा जो उसकी मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चले गए। वही कुहू के स्कूल में, इस वक्त क्लास में कुहू गुस्से से पूरी क्लास को घूर रही थी। क्लास में टीचर के लेक्चर पर वो ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से टीचर ने उसे खड़ा किया था, और अब कुहू को मैथ के प्रॉब्लम पूछ रही थी। टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड के काफी मुश्किल सवाल पूछ रही थी, जिन्हें देखकर सभी लड़के कुहू को ऊपर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज सबको बिना वजह परेशान करने वाली कुहू को टीचर अच्छी पनिशमेंट देंगी। पर वो लोग इस बात से अनजान थे कि छोटी सी शैतान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अक्षय ने उसे बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे पहले से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड के सारे सवाल आसानी से आते थे। फर्स्ट ही नहीं बल्कि वह सेकेंड स्टैंडर्ड के भी मैथ के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देती थी। टीचर नई नहीं आई थी, अभी उन्हें आकर एक हफ्ता ही हुआ था, इसलिए उन्हें इस छोटी आफत की पुड़िया के बारे में नहीं पता था। कुहू एटीट्यूड से अपने बेंच से खड़ी हुई और बोर्ड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। भले ही वह अभी 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, पर उसके चलने के तरीके से ही समझ आता था कि वह काफी ऊंचे परिवार की बच्ची होगी। उसका एटीट्यूड किसी बड़े से कम नहीं था। वह आकर सीधा बोर्ड के सामने खड़ी हो गई। उसने एक नज़र टीचर को घूरा और चोक उठाकर बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने लगी। टीचर को लगा नहीं था कि कुहू कर पाएगी, इसलिए वह भी अपने दोनों हाथ बांधकर कुहू को देख रही थी, पर उन्हें इस चीज की हैरानी हुई कि इतने हार्ड सवाल को कुहू ने बिना एक बार भी डरे और उनसे पूछे आसानी से सुलझा लिया। कुहू ने अपने हाथ में पकड़ा चौक एटीट्यूड से उछलते हुए कहा, और कुछ? टीचर ने हैरानी से कहा, पर ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे आया? कुहू ने गुस्से टीचर को घूरते हुए कहा, क्योंकि बेबी तुमसे इंटेलिजेंट है। कुहू की बात सुनकर टीचर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाए, अपने टीचर की इंसल्ट कर रही हूँ। कुहू ने भी एटीट्यूड से कहा, मामा डैडी ने कहा था कि जो इंसान रिस्पेक्ट देने लायक हो उसे ही रिस्पेक्ट दो, और तुम रिस्पेक्ट देने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने बेबी को यह सवाल बिना पढ़ाए ही यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बुलाया था, क्योंकि तुम बेबी की इंसल्ट कर सको। अगर बेबी को यह सवाल नहीं आता तो तुम अभी मुझे डांट रही होती। कुहू का जवाब बिल्कुल सही था। टीचर ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम बिना पढ़ाई किए भी यह सब सॉल्व कर सकती हो या नहीं। कुहू ने टीचर को घूरते हुए कहा, तो अब तो आपको पता चल गया ना, अब बेबी आपको एक सवाल देती है, उसे सॉल्व करके दिखाओ। कुहू की बात सुनकर सभी क्लास के बच्चे हैरान हो गए। वही टीचर ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मतलब ये मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड का मैथ्स का क्वेश्चन पूछना चाहती है, जबकि मैं खुद मैथ की टीचर हूँ। टीचर ने एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ओके पूछो एक सवाल। कुहू ने बोर्ड पर सवाल लिखा, जिसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि यह कहीं से भी सवाल नहीं लग रहा था। टीचर ने हैरानी से कहा, ये तुमने कौन सा सवाल लिखा है? कुहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, यह मैथ का एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसका जवाब दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों का आता है, तो आप तो हमारी मैथ की टीचर हो ना, तो आपको यह जवाब आना चाहिए, चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। उस सवाल को देखकर मैं आप टीचर के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, क्योंकि वह इस सवाल को देखकर समझ गई थी कि यह काफी ज्यादा हार्ड है और टीचर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर वह इस तरह से पूरे क्लास के सामने अपनी बेइज्जती भी नहीं करा सकती थी, इसलिए उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं गलत भी जवाब लिख दूं तो इन सबको क्या पता चलेगा, आखिर फर्स्ट क्लास के बच्चों को पता भी क्या चलता। ये सोचकर टीचर ने
उठाया और कुछ भी जवाब लिखने लगी। वही कुहू मुस्कुराते हुए टीचर की हरकतें देख रही थी। कुछ सोचने के बाद टीचर ने कुछ अजीब सा जवाब लिख दिया, पर वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शायद यही जवाब होगा, जिसे देखकर सभी बच्चों ने तालियां बजाई। वही टीचर के चेहरे पर बिना वजह प्राउड भरी मुस्कुराहट आ गई। आखिर वह एक मैथ टीचर होकर ऐसा कैसे कह सकती थी कि उन्हें ये सवाल नहीं आता। वही कुहू के चेहरे पर अजीब से हंसी थी। उसने फिर हंसते हुए कहा, आपको मैं बच्ची लगती हूँ ना? मैं बच्ची जरूर हूँ, पर बेवकूफ नहीं। मेरा नाम है कुहू मल्होत्रा है। आपने गलत जवाब लिखा और अब सबके सामने इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे आपको इस बात का फुल कॉन्फिडेंस है कि यह जवाब सही है। कुहू की बात सुनकर पूरा क्लास चुप हो गया। वहीं टीचर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। आखिर उसने अपनी मर्जी से यह जवाब लिख दिया था, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि इस सवाल का जवाब ये हो ही नहीं सकता। कुहू की बात सुनकर टीचर ने फिर भी थोड़े गुस्से से कहा, तो इसका जवाब तुम्हें आता है? कुहू ने एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल आता है। कुहू की बात सुनकर टीचर ने मन ही मन कहा, ये शैतान लड़की खुद को क्या समझती है? पता नहीं, जरूर उसने किसी को यह सवाल लिखते हुए देखा होगा, इसलिए इसने ये सवाल मुझे यहाँ पर लिख कर दिया। पर इससे थोड़ी जवाब आता होगा। इतना सोचकर टीचर ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो, पर बातें तुम किसी बड़े की तरह कर रही हो। ये सब छोड़ो और चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। कुहू ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, अपने बेबी की इंसल्ट की है तो बेबी अपनी इंसल्ट का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। टीचर ने कहा, तो क्या करना चाहती हो तुम? कुहू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ, अभी के अभी साबित हो जाएगा कि आप हमारे मैथ टीचर बनने लायक हो या नहीं। ये टीचर एक हफ्ते पहले ही स्कूल में आई थी। उससे पहले कुहू को एक टीचर सर थे जो पढ़ाते थे। वह काफी पोलाइट और काइंड थे, सभी बच्चों को हंसते मुस्कुराते पढ़ाते थे, जिस वजह से बोरिंग में मैथ का लेक्चर भी सभी बच्चों को पसंद आता था। टीचर भी अब गुस्से में आ गई थी। उसने कहा, तुम इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, दिखाओ अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब आता है तो। कुहू ने चौक उठाया और बोर्ड पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद उसने जवाब लिख दिया, तो जवाब को देखकर एक पल के लिए टीचर की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसे जवाब कहीं ना कहीं सही लग रहा था। पर वह ऐसे सबके सामने कुहू की तारीफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने गुस्से से कहा, अगर जवाब नहीं आता तो कुछ भी लिखकर तुम मुझे यह नहीं कह सकती कि यह जवाब सही है, यह जवाब पूरी तरह से गलत है। टीचर की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, ओके, तो हम प्रिंसिपल सर और बाकी के टीचर से ही पूछ लेते हैं कि किसका जवाब गलत है और किसका जवाब सही। तभी बाहर से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। किस चीज का डिसीजन लेना है? सबने बाहर देखा तो दरवाजे पर प्रिंसिपल के साथ दो और टीचर मौजूद थे। प्रिंसिपल को देखकर मैथ की टीचर ने खुशी से कहा, सर, यह छोटी सी बच्ची बहुत देर से मेरे साथ बहस कर रही है। प्रिंसिपल ने जैसे ही कुहू को देखा, उनके सामने इस छोटी सी शैतान की शैतानी आने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या ये लड़की मुझे फिर से मरवाना चाहती है? नहीं, अब और नहीं। इतना कहकर प्रिंसिपल जल्दी से अंदर आए। उनके साथ बाकी के दोनों टीचर भी अंदर आए। प्रिंसिपल ने थोड़े गुस्से से टीचर से कहा, तुम इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रही हो? मैथ टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये बिना वजह मुझे चैलेंज दे रही है। ये क्लास में जब मैं पढ़ा रही थी तब अपने ड्राइंग बुक पर ड्राइंग बना रही थी, वह भी फर्स्ट बेंच पर बैठकर, इसलिए मैंने इसे पनिशमेंट दी और इसे एक बहुत ही हार्ड सवाल पूछा और इसने उसका जवाब भी लिख दिया। पर बाद में इसने मुझे ये ट्रिकी क्वेश्चन दिया और कहने लगी कि अगर मैंने इसे सॉल्व करके नहीं दिखाया तो मैं इसकी टीचर बनने लायक नहीं।
अब मैंने जवाब भी लिख दिया है, पर यह बच्ची मानने को तैयार ही नहीं है कि यह जवाब सही है, बल्कि इसमें जो जवाब लिखा है वो सही है। अब आप ही बताइए कि इतने बड़े और हार्ड क्वेश्चन को एक छोटी सी 5 साल की बच्ची कैसे सुलझा सकती है। टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने एक नज़र बोर्ड की तरफ देखा, उन दोनों जवाब को देखा और फिर सवाल को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह सवाल काफी ज्यादा मुश्किल था। इसे आज तक कुछ ही लोग सुलझा पाए थे। उनका ध्यान एक जवाब पर गया और जब आपकी तरफ उन्होंने उंगली पॉइंट करते हुए कहा, क्या ये जवाब आपने लिखा है, मैथ की टीचर को लगा कि शायद कोहू ने गलत जवाब लिखा होगा, इस वजह से प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। इसलिए उस टीचर ने भी एटीट्यूड से कहा, नहीं सर, यह जवाब इसने लिखा है। प्रिंसिपल ने एक नज़र कोहू की तरफ देखा और हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैथ के टीचर ने गुस्से से कहा, मैं भी इसे वही समझा रही हूँ कि यह अभी सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची है, पर यह समझने को तैयार ही नहीं है। प्रिंसिपल ने थोड़े गुस्से से कहा, ये जवाब बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल की बात सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे हैरानी से कोहू को देखने लगे। उन्हें लगता था आपको वह सिर्फ घमंडी है, पर अब उन्हें इस बात का पता चला था कि वो घमंडी के साथ साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वही रुद्र, जो कि कोहू की दूसरे बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए कोहू को देख रहा था, उसने कहा, मतलब अब से मेरी टॉपर की गद्दी छीन चुकी है। वही मैथ की टीचर तो हैरानी से कोहू को देखने लगी, इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा सवाल किस तरह से सुलझा दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने काफी कोशिश की पर उसे इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा था। उसने एक नज़र प्रिंसिपल की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। उसने सब पकाते हुए कहा, सर, वो इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाए। प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, तुमने एक छोटी सी बच्ची के साथ कंपटीशन किया, अभी के अभी माफ़ी मांगो इससे। मैथ की टीचर ने हैरानी से कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल ने अपने माथे पर आया ठंडा पसीना पोंछते हुए मन ही मन कहा, अरे मेरी माँ माफ़ी मांग ले, वरना ये चुड़ैल की बच्ची तेरा क्या हाल करेगी, तू सोच भी नहीं सकती। वहीं उनके एक्सप्रेशन देखकर कोहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, सर, आपने बेबी को मन में क्या कहा, ज़रा बताना। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आप कितने इंटेलिजेंट है। प्रिंसिपल की बात सुनकर कोहू ने गुस्से से कहा, बेबी को माइंड रीडिंग आती है, तो बेबी से झूठ बोलना नहीं। और रही बात बेबी की इंटेलिजेंट की, तो वह तो बेबी सबसे ज्यादा है। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए थे, सभी लोग हैरान हो गए। वहीं प्रिंसिपल ने जल्दी से कहा, मैं ये बताने आया था कि तुम सब लोगों की फ्रेशर्स पार्टी 2 दिन बाद है। ऑडियो बाय साकिल JX07। इस वक्त सभी लोग शूटिंग लोकेशन पर मौजूद थे। डायरेक्टर खान सभी को सीन समझा रहे थे, क्योंकि आज वह लोग अपने पहले सीन की शूटिंग करने वाले थे। सभी लोगों को कहीं ना कहीं पीहू से जलन हो रही थी, क्योंकि डेब्यू फिल्म ही वो डायरेक्टर खान के साथ कर रही थी। सबको यही लग रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि किसी को भी पीहू की काबिलियत पर भरोसा नहीं था। सब लोगों ने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया था, जिसमें वो पीहू की बुराइयां करते थे, जिसमें माया का नंबर सबसे ऊपर था। पीहू के साथ शूटिंग लोकेशन पर सिर्फ आशीष ही अच्छे से बर्ताव करता था, और इस कारण बाकी सब लोग और भी ज्यादा पीहू से गुस्सा थे। वही अलीना, जो कि थर्ड फीमेल लीड थी, उसे तो अब पीहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने उस दिन का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया था। उसके हिसाब से पीहू ने ये सब अक्षय मल्होत्रा के साथ रात बिताकर किया था, जिस वजह से अब वह पीहू से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। पर पीयू ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डायरेक्टर खाने सबकी तरफ देखकर कहा, तो आज हमारे शूटिंग का पहला दिन है, आज हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सीन को हम शूट करने वाले हैं। ये सीन तब का है जब सारा को अखिल के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। तो पीहू आशीष, तुम दोनों तैयार हो? पीहू और आशीष ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद मेकअप रूम में भी पीहू पूरी तरह
से तैयार हो चुकी थी क्योंकि सारा का कैरेक्टर एक टॉमबॉय जैसा था, इसलिए उसने एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक रिप्ड जीन्स, उसके ऊपर व्हाइट कलर का ब्लेजर डाला हुआ था जिसमें वह काफी ज्यादा टॉमबॉय का लुक दे रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप भी काफी सिंपल तरीके से कर रही थी क्योंकि सारा को लड़कों जैसा रहना पसंद था। पीयू ने एक नजर मिरर में खुद को देखा, अब वह पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी एक हाई पोनीटेल बांध दी थी जिससे वह और भी ज्यादा क्लासी लग रही थी। पीहू ने एक नजर खुद को में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा मेकअप करती हो तुम। उस मेकअप आर्टिस्ट ने भी थोड़ा एटीट्यूड से कहा, क्योंकि मैं टॉप की एक्ट्रेस की मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पर आपका मेकअप करने के लिए मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया है। मेकअप आर्टिस्ट की टोन सुनकर पीहू को गुस्सा आने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो जो तुम्हारा काम है वही करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे ना। उस मेकअप आर्टिस्ट ने बिगड़ते करते हुए कहा, पर मैं सिर्फ इंडस्ट्री की फेमस सेलिब्रिटीज का मेकअप करती हूँ, तुम तो अभी इंडस्ट्री में आए भी नहीं हो और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हारा मेकअप कराने के लिए बुलाया गया है, जबकि मैं इस शर्त पर यहाँ पर आई थी कि मैं सिर्फ आशीष सर और माया मैडम का मेकअप करूँगी। माया भी इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस थी, भले ही उसने ज़्यादा बड़े बड़े रोल नहीं किए थे, पर अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से वह काफ़ी फेमस थी, लड़के तो उसके दीवाने थे। वही मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और मेकअप आर्टिस्ट को देखते हुए कहा, पर अब तुम क्या कर सकती हो, मेरा मेकअप तो हो चुका है, तो अब तुम्हें जिसका करना है करो, या तो अपने घर चली जाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें अपने काम की कदर करनी चाहिए, इस चीज़ की नहीं कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। तुम्हें अपने टैलेंट पर घमंड होना चाहिए, पर इतना नहीं कि यह घमंड तुम्हें एक दिन लेकर डूब जाए। इतना कहकर पीहू रूम से बाहर निकल गई। वही मेकअप आर्टिस्ट गुस्से से दांत पीसते हुए पीहू को देखती रह गई। इस मेकअप आर्टिस्ट का नाम निहारिका था, जो कि इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस का मेकअप करने के लिए काफी फेमस थी। इसका किया हुआ मेकअप बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता था, जिस कारण इंडस्ट्री में निहारिका की डिमांड काफी ज्यादा थी, पर निहारिका सेलिब्रेट इसका ही मेकअप करना चाहती थी। निहारिका शूटिंग लोकेशन पर मेकअप करने के लिए इसीलिए तैयार हुई थी क्योंकि यहां पर आशीष अग्रवाल जैसा फेमस सेलिब्रिटी था, पर यहां पर डायरेक्टर खान ने उसे पीहू का मेकअप करने के लिए कहा, तब से उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसी गुस्से में उसने पीहू को बुरा भला कह दिया और उसे नहीं लगा था कि एक न्यूकमर जिसका अभी तक एक भी सीन शूट नहीं हुआ वह इस तरह से उसे पलटकर जवाब दे देगी, जिस वजह से उसे भी ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से पीहू न्यूकमर के हिसाब से काफी ज्यादा घमंडी थी, जबकि उसे निहारिका की तारीफ करनी चाहिए कि एक न्यूकमर होने के बाद भी उसने पीहू का मेकअप किया। वही निहारिका गुस्से से आशीष के कमरे में, आशीष भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था। आशीष का कैरेक्टर एक नॉटी लड़के और बिंदास लड़के का था, जिस वजह से उसने कपड़े भी उसी तरह से पहने हुए थे। उसने ब्लैक कलर की प्लेन टी शर्ट और रिप्ड जीन्स पहना हुआ था, माथे पर बिखरे बाल, जिसमें वह काफी कूल और हैंडसम लग रहा था। निहारिका एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई, फिर उसने खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आई कम इन सर। आशीष ने पलटकर निहारिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए। निहारिका ने कहा, सर शूटिंग का टाइम हो रहा है, हमें आपका मेकअप स्टार्ट करना होगा। आशीष ने कहा, ठीक है। आशीष कुर्सी पर बैठ गया, उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा और उस पर कुछ काम करने लगा। निहारिका चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर आशीष के हैंडसम चेहरे को देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मेकअप करने के कारण उसे आशीष के ऊपर काफी झुकना पड़ रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसके गाल और अपने आप लाल हो रहे थे। आशीष इन सब से अनजान था, वह चुपचाप अपने ईमेल चेक कर रहा था। निहारिका काफी कैपते हाथों से आशीष का मेकअप कर रही थी। काफी देर बाद जब आशीष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निहारिका
को देखा तो उसका लाल चेहरा देखकर आशीष ने थोड़ा परेशानी से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम घर चली जाओ, मैं डायरेक्टर खान को बता दूंगा कि कोई और मेकअप आर्टिस्ट बुला ले, निहारिका ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। नो सर, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर बाद आशीष और पीहू दोनों का मेकअप कम्प्लीट हो चुका था। इस वक्त वह लोग सेट पर मौजूद थे। उनका फर्स्ट सीन स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट का समय था। सभी लोग फिल्म का पहला शूट होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए सब लोग वहां पर मौजूद थे। सब लोगों को आशीष पर कॉन्फिडेंस था, वह काफी अच्छे से एक्ट करेगा, पर सब लोगों के ख्याल पीहू के लिए अलग थे। उनका कहना था कि पीहू पूरे सीन को खराब कर देगी, क्योंकि एक न्यू कमर को इतने बड़े बजट की फिल्मों में लेना डायरेक्टर खान की सबसे बड़ी गलती थी, पर वह ये बात उनके मुंह पर नहीं कह सकते थे, इसलिए सब गुस्से से पीहू को घूर रहे थे। पीहू भी सबकी गुस्से भरी नजरें खुद के ऊपर महसूस कर सकती थी, पर उसने मन ही मन कहा, जब ये लोग खुद मेरी एक्टिंग देखेंगे तब इन लोगों को मुझ पर कोई डाउट करने का मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्टर खाने एक नज़र पीहू और आशीष की तरफ देखकर कहा, रेडी? दोनों ने अपना सर हिलाया। इससे के साथ डायरेक्टर ने कहा, सीन नंबर 1 टेक 1 एंड स्टार्ट। इसी के साथ पीहू ने अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशन के साथ हल्की नमी के साथ कहा, अखिल मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं कहने वाली हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, पर मैं ये बात आज तुमसे कहकर रखूंगी, क्योंकि अब मैं ये बात और नहीं छुपा सकती। अखिल ने हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए अपने कैजुअल अंदाज में कहा, क्या बात है सारा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज से पहले तो किसी गुंडी की तरह मुझ पर झपट्टा मार दी थी और आज तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। अखिल की मजाकिया बात सुनकर सारा ने थोड़े गुस्से से कहा, मैं सीरियस हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। वही सब लोग दोनों की एक्टिंग देखकर हैरान थे, क्योंकि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों की हर चीज बोलने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट। अखिल तो बेस्ट एक्टर था, पर पीहू भी उससे कम नहीं लग रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक न्यूकमर पहले ही टेक में इतना अच्छा कर सकती है। अखिल ने अपनी बात करते हुए कहा, मेरी माँ जो तुझे कहना है वो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सारा ने हल्की नम आँखों के साथ कहा। अखिल हैरानी से सारा को देख रहा था। अखिल यानी कि आशीष ने कहा, सारा क्या हुआ तुझे? सारा ने ढेर सारे इमोशन के साथ कहा, प्लीज आज मुझे बोलने दो, क्योंकि अब बहुत हो चुका, मैं अब और खुद के इमोशन ही छुपा सकती। अखिल ने कहा, मतलब? सारा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कब कैसे मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं तुम्हें रिया के साथ देखती हूँ मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। अखिल वही अखिल यानी कि सारा का बेस्ट फ्रेंड ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ सारा के हाथों पर अपने हाथ रखकर लड़खड़ा दिन जबान में कहा, तू मजाक कर रही है ना सारा? सारा ने अपने आंसू भरी आंखों से अखिल को देखते हुए कहा, तुझे सच में मेरी आंखों में मजाक दिख रहा है? अखिल यानी कि आशीष ने पीहू की आंखों में देखा, जिसमें सच्चाई दर्द नजर आ रहा था। ये देखकर हमेशा मस्ती मजाक करने वाला अखिल काफी परेशान होने लगा। उसने पीहू का हाथ अपने चेहरे से हटाकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, देख तो मजाक मत कर, तू जानती है रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। पीहू यानी कि सारा ने आंसू भरी आंखों से अखिल को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ अखिल, इसी वजह से आज तक चुप थी, पर अब मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे एहसास अब और छुपाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। शायद मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती थी, बस मानना नहीं चाहती थी और दोस्ती के पीछे सब कुछ भुला दी गई, पर अब मुझसे यह नहीं होता। बचपन से मैंने तेरे अलावा कभी किसी लड़के को खुद को छूने तक नहीं दिया, सिर्फ तू अकेला है जिसके साथ में कंफर्टेबल फील करती हूँ। मेरे एहसास कब मुझ पर हावी हो गई है मुझे खुद पता नहीं चला। अखिल प्लीज मेरी बात सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अखिल ने पीछे पलटकर थोड़े गुस्से से कहा, देख सारा मुझे पता है तुम मजाक कर रही है, तू जैसी जल्दी लड़की किसी से प्यार नहीं कर सकती।
सारा ने आंसू भरी आंखों से अखिल को देखते हुए कहा, क्यों मेरे अंदर इमोशन नहीं होते? मैं इंसान नहीं हूँ। अखिल ने सारा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अखिल चाहकर भी अपने कदम उसके आंसू पोंछने के लिए आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसने फ्रस्ट्रेटेड आवाज में अपने बालों को खींचते हुए कहा, सारा तू ये क्या कर रही है? क्यों हमारे रिश्ते को उलझाना चाहती है? हम बेस्ट फ्रेंड है, क्यों तू हमारा इतना अच्छा रिश्ता खराब करना चाहती है? सारा ने अखिल की तरफ देखकर लगभग रोते हुए कहा, प्लीज मेरे एहसास को झूठा मत कहना। हमारा रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज तक चुप थी, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था। पर अब मैं फ्रेंडशिप के चक्कर में अपने एहसास को नहीं दबा सकती। प्लीज सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुझे उसके साथ नहीं देख सकती। चुड़ैल रिया को देखकर मेरा दिल करता है उसका सर फोड़ दूँ। सारा की बात सुनकर अखिल ने गुस्से से कहा, सारा गर्लफ्रेंड है वो मेरी? सारा ने गुस्से से कहा, तो छोड़ दे उसे। अखिल ने सारा की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। अखिल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सारा प्लीज मुझे और कंफ्यूज मत कर, मुझे ये सारा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा से अपनी वही झल्ली दोस्त चाहिए जो लड़कों की तरह रहती है, जो मेरे साथ मार पिटाई करती है। मुझे ये रोने वाली सारा नहीं चाहिए। सारा ने कहा, मैं क्या करूं, मैं खुद भी नहीं बदलना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी तुझसे प्यार करना, पर हो गया, अब क्या करूं अखिल प्लीज। तभी डायरेक्टर ने कट कहा और इसी के साथ सभी लोग जो हैरानी से दोनों की एक्टिंग देख रहे थे तालियां बजाने लगे, क्योंकि दोनों की एक्टिंग देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं एक पल के लिए माया भी हैरान हो गई, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि पीहू एक्टिंग में इतनी अच्छी होगी। उसके बगल में खड़े करने उसके कानों में कहा, अगर यह इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्दी यह इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट पर भी टॉप पर होगी। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है वह जल्दी करना होगा, वरना मेरी जान तुम अपनी छोटी बहन से इतनी पीछे रह जाओगी कि दूरबीन लगाकर भी वह तुम्हें नजर नहीं आएगी। माया ने गुस्से से करण को देखकर कहा, अपनी यह गंदी जबान बंद करो, क्योंकि माया सिंघानिया को बेवजह बात करना और बकवास सुनना पसंद नहीं है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कुछ करती क्यों नहीं? तुम क्या उसके ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रही हो? माया ने गुस्से से करण को घूरते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं यह मुझे अच्छे से पता है, तो अपनी यह जबान बंद करो। वही सीन पूरा होने के बाद डायरेक्टर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने पीहू और आशीष की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। हमारा पहला ही टेक इतना अच्छा हुआ है कि तुम दोनों सोच नहीं सकते। तुम दोनों की एक्टिंग बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। तुम्हारी आंखों में जो इमोशन थे, जो दर्द था, उसे यह पता लगाया जा सकता है कि एक एक्टर जब अपने कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ लेता है, तब वो पूरी तरह से उस कैरेक्टर को अपना लेता है, और तुम दोनों ने भी ऐसा ही किया। उम्मीद है आगे भी तुम मुझे निराश नहीं करोगे, आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर, आपसे तारीफ मिला मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आशीष की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीष मैं हमेशा से तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, और अब मुझे अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे हीरो हो। फिर उन्होंने पीहू की तरफ पलटकर कहा, और पीहू तुम्हारी एक्टिंग देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तुमने अभी तक एक भी फिल्म नहीं की है। तुम्हारी एक्टिंग इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस के बराबर की है। जब मैंने यह बात कही थी तब सब लोगों ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रहा हूँ, पर आज तुम्हारी एक्टिंग देखकर सब लोगों के मुँह अपने आप बंद हो गए। वही डायरेक्टर खान की बात बाकी सब लोग भी सुन रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर खान जानबूझकर जोर से कह रहे थे। उन्होंने सब लोगों को पीहू की बुराई करते हुए सुना था, पर डायरेक्टर खान उन लोगों को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहते थे, बल्कि वह पीहू की एक्टिंग दिखाकर उन लोगों को जवाब देना चाहते थे।
ताकि उनका मुंह अपने आप बंद हो जाए। वही अलीना भी पीयू के एक्टिंग देखकर हैरान हो गई, क्योंकि पीयू की एक्टिंग उससे हजार गुना ज्यादा बेहतर थी। जबकि वह इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों से थी, उसे भी यह मानना पड़ा कि डायरेक्टर खान जो कुछ भी कह रहे थे वह सही था। फिर भी वह ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि बिना किसी सिफारिश के पीहू को फीमेल लीड का रोल मिला है। इसलिए चाहते हुए भी वह पीहू के लिए अपनी नफरत को कम नहीं कर पा रही थी। असल में उसे पीहू से जलन हो रही थी, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा उसका क्रश था। आशीष ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा और कहा, आपसे पहले मैंने तुम्हारे जितनी अच्छी एक्ट्रेस कभी नहीं देखी। आशीष की बात सुनकर पीहू ने हंसते हुए कहा, अब इतना भी चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैं जानती हूँ तुमने इंडस्ट्री की सबसे अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। आशीष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक कई सारी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया है, पर तुम्हारी तरह उनकी आंखों में इतने अच्छे से इमोशन मैंने नहीं देखे। तुम्हारे इमोशन सारा की कंडीशन को बयान कर रहे थे कि वह अखिल से अपनी बात कहते हुए कितनी ज्यादा इमोशनल थी, और मैं सच कह रहा हूँ बहुत जल्दी तुम इंडस्ट्री में टॉप पर पहुँचने वाली हो, मेरी बात याद रखना। आशीष की बात सुनकर पीयू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला था, और अगर यह बात इंडस्ट्री का इतना अच्छा एक्टर खुद कह रहा था तो जरूर उसमें कुछ अच्छी बात तो होगी। पीयू ने मुस्कुराते हुए आशीष को थैंक यू कहा। ऑडियो बाय साकिल JX07। आज आशीष और पीहू के सिर्फ 2 सीन शूट करने थे जो कि हो चुके थे। इस वक्त डायरेक्टर कुछ और शूट कर रहे थे। आशीष और पीहू डायरेक्टर के पास बैठकर शूटिंग देख रहे थे। पीहू सभी चीजें अच्छे से अब्जॉर्ब कर रही थी, क्योंकि यह उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले उसने जिन 2 फिल्मों में रोल किया था उनमें उसे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिला था, और उसका रोल भी उस फिल्म में माया के कहने के कारण काट दिया गया था। पर पीहू अपनी पहली फिल्म को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती थी, और डायरेक्टर खान की वजह से उसे इस बात का यकीन भी था कि फिल्म जरूर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी। डायरेक्टर खान आज सभी आर्टिस्ट के काम से खुश थे, क्योंकि सभी लगभग प्रोफेशनल ही एक्टर्स चुने गए थे। माया की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसकी एक्टिंग की वजह से ही पीहू उस पर पहले पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, तो ऐसे में माया की एक्टिंग पर सवाल उठाने का कोई चांस ही नहीं था। आज सभी लोगों के सीन शूट होने के बाद डायरेक्टर खान ने सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सब लोगों के काम से बहुत खुश हूं। आज हमारा शूटिंग का पहला ही दिन बहुत अच्छा गया। उम्मीद है कि हमारे शूटिंग के 5 महीने इसी तरह से कट जाएंगे। सभी लोगों ने डायरेक्टर की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। डायरेक्टर खान ने कहा, हम नेक्स्ट शूटिंग 2 दिन बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में करेंगे, जहां पर सारा और अखिल पढ़ाई करते हैं। सब लोगों ने अपना सर हिलाया। डायरेक्टर खान ने माया की तरफ देखकर कहा, और माया तुम और करण अगर चाहो तो उस दिन छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि उस दिन तुम्हारा कोई सीन नहीं है, तुम्हारे सीन अगले हफ्ते से शुरू होंगे। माया ने कहा, डायरेक्टर सर क्या हम सेट पर शूटिंग देखने के लिए आ सकते हैं? डायरेक्टर ने कहा, ठीक है। शाम के 4 बजे ही सभी लोग शूटिंग से फ्री हो गए थे। पीहू जैसे ही बाहर निकली, उसे बाहर रामोकाका गाड़ी लेकर खड़े दिखाई दिए। ये देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा था कि अक्षय उसे पहले दिन पिकअप करने आएगा, पर वह जानती थी कि अक्षय अभी गुस्से में है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। दूर से आशीष देख रहा था कि पीहू एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठी है। उसे अभी तक पीहू की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, ना ही मल्होत्रा खानदान की बहू वाली और ना ही सिंघानिया खानदान की बेटी वाली। उसके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि पीयू आखिर है कौन जो इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकती है। वही सेट से बाहर निकल रहे माया और करण ने आशीष के चेहरे पर पीहू को इतनी बड़ी गाड़ी में जाता है देख हैरानी देख ली थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए आशीष की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आशीष अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में गाड़ी गई थी।
माया ने मुस्कुराते हुए कहा। आशीष आशीष ने पलटकर माया की तरफ देखा और जल्दी ही अपनी नजरें फेर ली। उसे माया बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर करण उसका दोस्त था उसके हिसाब से, पर करण तो आशीष को हमेशा से अपना कंपीटिटर्स मानता था, जबकि आशीष हमेशा उसकी इंडस्ट्री में मदद करता था। करण ने कहा, क्या हुआ आशीष? आशीष ने भी की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं। करण ने कहा, पीहू के बारे में सोच रहे हो ना तुम? आशीष ने कहा, नहीं। करण ने कहा, तो तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो जिस तरफ पीहू अभी अभी अपनी कार से गई है? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि गाड़ी कौन सी है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है? आशीष ने हैरानी से कहा, मतलब? माया ने कहा, वह मेरी बहन है और मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसका एक बूढ़े आदमी के साथ अफेयर चल रहा है जिसके साथ वो रहती है। माया जानती थी कि अगर पीहू को ये बात किसी को बता नहीं होती कि वो अक्षय मल्होत्रा की बीवी है, तो अभी तक ये बात उसने सबको बता दी होती। वह पीहू को आशीष की नजरों में गिर आना चाहती थी। आशीष ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन है वह, मैं क्यों बकवास करूंगी? बचपन से जानती हूँ उसे, पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकती है। उसके कई सारे शुगर डैडी रह चुके हैं आज तक। आशीष ने गुस्से से कहा, अपनी यह गंदी जुबान बंद करो। माया ने आशीष के चेहरे पर उदासी देख ली थी, जिस वजह से उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मिस्टर आशीष, मैं जानती हूँ आपके लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं उसकी बहन हूँ। मैं क्यों अपनी बहन के बारे में बुरी बातें कहूँगी? मैं बचपन से उसे जानती हूँ, बचपन से उसे हमेशा से सिर्फ अमीर इंसान के साथ रहना पसंद है, जिस वजह से उसने 3 साल पहले ही हमारा घर छोड़ दिया है। माया की रियल आइडेंटिटी भी लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि मनोहर जी उसे अपनी पोती मानने को तैयार नहीं थे और अशोक जी के हाथों में कोई पावर्स नहीं थे जिससे माया उड़ सके, पर मनोहर जी उसे फाइनेंशियली मदद करते थे और उसी पैसों के बलबूते पर माया ने खुद का नाम इंडस्ट्री में बनाया था। आशीष ने थोड़े गुस्से से माया को देख कर, देखो मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी। अगर वह तुम्हारी सच में बहन होती तो तुम इस तरह की अफवाह है उसके बारे में नहीं फैलती। आशीष का जवाब सुनकर माया थोड़ी हड़बड़ा गई, पर फिर उसने खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए चाहे आपको कुछ भी क्यों ना लगे, वह मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जहाँ उसे अमीर आदमी दिखता है, वह अपने रंग गिरगिट से भी तेज बदलती है। इसलिए मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीहू से बचकर रहिएगा, क्योंकि शायद अब आपकी बारी है, क्योंकि इस तरह से बिना वजह किसी के नज़दीक नहीं जाती और बस दो ही बार मिलने पर वह आपके इतने नज़दीक आ चुकी है। मैं ये सब आपके भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े एक्टर हैं और मेरी इंस्पिरेशन भी। माया की बात सुनकर आशीष के दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। वह अच्छे से इंसान को पहचानता था, क्योंकि वो पिछले 21 सालों से अग्रवाल फैमिली के साथ रहता था। वह अच्छे से लालची लोगों की रग रग से वाकिफ था, पर पीहू को देखकर उसे कभी नहीं लगा कि वो लालची होगी, पर उसे यह फीलिंग माया से जरूर आती थी। पर माया की बात सुनकर कि पीहू के कई सारे शुगर डाली है, आशीष के दिल में दर्द हो रहा था। आशीष ने अपने मन ही मन कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये पीहू को बदनाम करने के लिए सब कह रही है बिना सच जाने में। ऐसे पीहू के बारे में इतना गलत नहीं सोच सकता, और वैसे भी जिस तरह से यह बात कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पीहू के खिलाफ भड़काना चाहती है, आशीष ने मन ही मन कहा। और फिर माया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिस माया कहानी काफी अच्छी बना लेती है आप पर, वो क्या है ना, एक एक्टर दूसरे एक्टर को देखकर अच्छे से समझ जाता है कि वह सच बोल रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। वैसे आपकी एक्टिंग तो अच्छी है, पर फिर भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। इतना कहकर आशीष मुस्कुराते हुए वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया।
आशीष के जाने के बाद करण माया को देखकर हंसने लगा। वहीं माया गुस्से से आशीष को जाते हुए देख रही थी। करण ने हंसते हुए कहा, सच में तुम्हारी एक्टिंग कोई भी पहचान सकता है माया सिंघानिया, तुम्हें खुद को एक्टिंग में सुधारने की जरूरत है, वरना अभी जो ये छोटे मोटे रोल मिलते हैं ये भी मिलना बंद हो जाएंगे। माया ने गुस्से से करण की तरफ देख कर कहा, मुझ पर उंगली उठाने से पहले यह जरूर देख लेना कि अगर आशीष ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम आज यहाँ पर नहीं होते। माया की बात सुनकर अचानक से करण के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसे यही बात नहीं पसंद थी कि कोई उसका कंपैरिजन आशीष के साथ करे, जिस वजह से अपने सबसे अच्छे दोस्त को करण खुद का कॉम्पेटर मानने लगा था, यहाँ तक कि नफरत भी करने लगा था। आशीष की तरह करण भी एक अडॉप्टेड लड़का था, पर करण की अडॉप्टेड फैमिली ने कभी उसे तकलीफ नहीं दी थी जो कि आशीष की अडॉप्टेड फैमिली ने उसे दी थी। पर दोनों स्कूल से अच्छे दोस्त थे, दोनों ने अपना करियर भी साथ में ही शुरू किया, पर आशीष का करियर दिन ब दिन ग्रोथ करता गया और करण इसी वजह से आशीष को खुद का दुश्मन मानने लगा, पर आशीष हमेशा उसकी मदद करता था। पर अब करण को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई आशीष के साथ उसकी तुलना करे। उसने गुस्से से माया का गला दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टैलेंट पर सवाल उठाने की? भले ही उसने मेरी मदद की है, पर सिर्फ ऑडिशन में नाम लिखवाने में ऑडिशन क्लियर मैंने किया है। माया ने गला दबाने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आशीष की मदद के बिना तुम कुछ नहीं हो। करण ने गुस्से से माया के गले को छोड़ा। माया दो कदम पीछे लड़खड़ा गई। करण ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, आशीष छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तेरी वजह से मेरी कोई औकात नहीं रह गई है। माया ने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, अब तुम सच में खुद को पहचान गए, तुम्हारी उसके सामने कोई औकात नहीं है, कोई नहीं, तुम एक भिखारी से भी ज्यादा गरीब हो। करण ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बहुत जल्दी मैं खुद को आशीष अग्रवाल से बड़ा स्टार बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें माया सिंघानिया, और यह मेरा प्रॉमिस है। पर तुम अपनी सोचो, एक दिन तुम्हारी बहन आसमान की ऊंचाइयों पर होगी और तुम जमीन से उसे देख भी नहीं पाओगी। करण की बात सुनकर माया ने भी गुस्से से कहा, उसे उस आसमान से नीचे कैसे पटकना है यह माया सिंघानिया अच्छे से जानती है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माया के चेहरे पर गुस्सा देखकर करण ने खुद को शांत किया और कहा, देखो तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, तो क्यों हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हमें साथ मिलकर हमारे दुश्मनों से लड़ना होगा। माया ने भी खुद को शांत किया और करण की बात सुनने लगी। करण ने कुछ उसे समझाया, जिसे सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो दो दिन बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक कार में जाकर बैठ गए। वही गाड़ी में पीहू उदास बैठी हुई थी क्योंकि अक्षय से नाराज होकर चला गया था। वह जानती थी कि उसके बाथरूम से ऐसे निकलने की वजह से अक्षय उसे गुस्सा जरूर हो गया होगा, पर उस वक्त पीहू को भी गुस्सा आ गया था क्योंकि आज उसका शूटिंग का पहला दिन था और अक्षय अपनी जलन के चक्कर में ये भी भूल गया था कि एक एक्टर को इसी तरह के काम करने होते हैं। प्रोफेशनल इन सब कामों में शर्मा नहीं सकता, पर पीहू ने सोचा कि वह अक्षय को अच्छे से बैठकर यह सब समझ आएगी, क्योंकि जब उसने अक्षय के नजरिए से सोचा कि अगर अक्षय किसी दूसरी लड़की को किस करे या फिर गले लगाए तो पीहू तो उस लड़की का खून ही कर देगी, यह सोचकर पीहू ने अक्षय का रिएक्शन सही समझा क्योंकि अभी उसने जस्ट स्टार्ट की थी इंडस्ट्री में। आगे उसे ऐसे कई सारे रोल करने होंगे जिसमें एक्टर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज पोज देने होंगे। कुछ देर बाद पीहू की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के सामने आकर रुकी। पीहू अंदर गई, जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि अंदर दिग्विजय ठाकुर मौजूद थे और ओम जी और दिग्विजय जी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। पीहू मुस्कुराते हुए अंदर आई, उसने सबको नमस्ते कहा, तभी अर्णव दौड़ते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। अर्णव ने उसे देखकर कहा, कहाँ गायब है तू, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, तू इतनी जल्दी अपने दोस्त को फिर से भूल गई।
पीहू ने अर्णव को घूरते हुए कहा, तूने कब मुझे फोन किया? और अगर तुम लोग यहाँ आने वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अर्णव ने कहा, मेरी माँ अपने फोन पर देख, मैंने तुझे 20 से ज्यादा बार फोन किया है। पीहू ने अपना मोबाइल निकाला तो वह हैरान हो गई क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सॉरी, वह मेरा ध्यान नहीं था। अर्णव ने गुस्से से कहा, तो तेरा ध्यान होता कहाँ है? पीहू ने कहा, अब ये सब छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अर्णव ने कहा, दादाजी को कुछ काम था इसलिए मैं दादाजी के साथ आ गया। पीयू ने कहा, वही तो पूछ रही हूँ कि काम कौन सा था। अर्णव ने मुंह बनाकर कहा, अरे मुझे खुद नहीं पता, जब से आए हैं लगातार तुम्हारी दादी सा से ही बातें कर रहे हैं और तुम्हारे दादा ससुर को ही घूर रहे हैं। पीयू ने एक नजर सबकी तरफ देखा। इस वक्त दीदा वसुधा जी, ओम जी, दिग्विजय दो सोफे पर बैठे हुए थे। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए वसुधा जी के साथ बात कर रहे थे। वही दीदा घूर घूर कर दिग्विजय जी को देख रही थी। दिग्विजय जी भी बार बार उनसे अपनी नजरें बचा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दिग्विजय जी, वसुधा जी, ओम जी और दीदा कॉलेज के कोई नए लड़के लड़कियां हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। वसुधा जी भी मुस्कुराते हुए दिग्विजय जी के साथ बात कर रही थी। वही ओम जी उन्हें इस तरह से घूर रहे थे जैसे अभी के अभी यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। आखिर में जैसे ही पीहू ने अंदर कदम रखे तभी उसके कानों में दीदा की आवाज सुनाई। दीदा ने हैरानी से कहा, तुम तो वही हो ना जिसने हमारे घर की खिड़की के कांच तोड़ा था। दीदा की बात सुनकर दिग्विजय जी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे वह तो कॉलेज के टाइम की बात है। दादा ने गुस्से से कहा, तुम ही थे जिसने मेरे कमरे की खिड़की तोड़ी थी वसुधा को चिट्ठी देने के लिए। दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, वह कॉलेज के दिनों की बात है, अब तो उस बात को कई साल हो चुके हैं। दीदा ने भी गुस्से से कहा, और तुम्हारी वजह से मेरे सर पर वह पत्थर आकर लगा था। दीदा की बात सुनकर ओम जी ने आग में घी डालते हुए कहा, मतलब तुम्हारे सर पर यह चोट का निशान उसी पत्थर का है? इतना कहकर उन्होंने दीदा के सर के एक कोने पर छोटा सा निशान को देखा। उसे देखकर का दीदा ने भी गुस्से से कहा, हाँ उसी पत्थर का निशान है। दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैं तो बच्चा था। दीदा ने गुस्से से कहा, तो तुम्हारे बचपन की वजह से मेरा सर फूट गया था उसका क्या? वसुधा जी ने एक नज़र तीनों की तरफ देखा। तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब है। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, एक दिन भी ये लोग चैन से नहीं रह सकते। तभी पीहू अंदर आई पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी साहिल भी ऊपर से नीचे आ रहा था। जैसे ही उसने दिग्विजय जी को देखा वह दौड़ते हुए आकर सीधा दिग्विजय जी के पैरों में लेट गया। उसके इस तरह से अचानक से दौड़ते हुए आने के कारण सभी लोग घबरा गए थे। वहीं दिग्विजय जी ने एक नज़र साहिल को देखा और कहा, हमारे घर में दामाद पर नहीं छूते। साहिल खड़ा हुआ। उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा, पर आप तो मेरे भी दादाजी हो ना। वहीं दीदा ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, जब कभी तुझे मेरे पैर छूने को कहती हूँ तेरी कमर टूट जाती है और अपने दादा ससुर के पैर पड़ने के लिए तू सीढ़ियों से इस तरह से भाग कर आया है जैसे तेरे पीछे पागल कुत्ता पड़ा था। साहिल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, दीदा, ससुराल वालों की इज्जत करनी पड़ती है, अब आपको क्या पता शादी के बारे में? आप तो कुंवारी हो। दीदा ने गुस्से से कहा, तू चाहता है मैं भी तुझे कुंवारा रखूं? साहिल ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा, अगर मैं कुंवारा रह गया तो मेरी जानेमन का क्या होगा? क्यों दादाजी? इतना कहकर उसने दिग्विजय जी की तरफ देखा। दिग्विजय जी को खुद समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दिग्विजय जी को दीदा से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उन्हें अच्छे से याद था जब कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक बार खिड़की पर पत्थर फेंक कर मारा था और वह दूसरी ही खिड़की पर लग गया था। तब उन्हें ऊपर से किसी ने कई सारी चप्पल फेंक कर मारी थी।
दूसरे दिन उन्हें ये बात पता चली थी कि जिसने उन्हें इतनी ज्यादा चप्पल फेंक कर मारी थी वो वसुधा जी की जुड़वा बहन यशोदा जी थी। तब से उसने एक बार भी वसुधा जी के घर की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने सुन के रखा था कि यशोदा जी काफी खतरनाक लड़की है। यशोदा जी अपने गली मोहल्ले के कई लड़कों को पीट चुकी थी, जिस वजह से वह वहां पर दबंग नाम से फेमस थी। साहिल ने एक नज़र दिग्विजय जी की तरफ देखा, जो डरते डरते दीदा को देख रहे थे। वही उसने एक नज़र दीदा को देखा, जो गुस्से से दिग्विजय जी को घूर रही थी। फिर उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा, आप दोनों को शादी करनी है क्या? उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोगों ने उस तरफ देखा तो कुहू ब्रूजो के साथ हॉल में आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ दिग्विजय दादाजी और दीदा की शादी करा देते हैं। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वहीं दिग्विजय जी आंख फाड़ कर सबको देखने लगे। यही हाल दीदा का भी। ऑडियो बाय साकिल JX07। दीदा और दिग्विजय जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी बाकी सब की तरफ आंख फाड़ कर देख रहे थे। वही कुहू लगातार हंस रही थी। साहिल का तो दिल कर रहा था वहां से भाग जाए, क्योंकि अब उसकी बेवकूफी के चक्कर में उसे इन दो बुड्ढों से पिटाई मिलने वाली थी। साहिल ने एक नज़र दिग्विजय किसी की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। साहिल ने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे दादा ससुर तो मेरी दादी को पसंद करते हैं और मैंने इनका नाम अपनी बड़ी दादी के साथ जोड़ दिया, तो अब ये क्या करेंगे? मेरा कहीं यह मेरी जानेमन के साथ शादी कैंसिल ना कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं दे सकता। इतना सोचकर साहिल फिर से दिग्विजय जी के पैरों में लेट गया। उसने दिग्विजय जी के दोनों पैरों को कस के पकड़ और अपनी तरफ खींचने लगा। सभी लोग हैरानी से साहिल को देख रहे थे। दिग्विजय जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम हमें सोफे से खींच कर नीचे गिराना चाहते हो? ये सुनकर साहिल, जो उनके पैरों को खींच रहा था, अचानक से उसे समझ में आया कि अगर वह इसी तरह से दिग्विजय जी के पैरों को खींचता रहा तो दिग्विजय सोफे से लुढ़क कर नीचे गिर जाएंगे। उसने जल्दी से उनके पैरों को छोड़ा और अपने आंखों में झूठे आंसू भर कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, बच्चा हूँ तो गलती से जबान फिसल जाती है। आप इसके लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? आप मेरी जानेमन को मुझसे दूर तो नहीं करेंगे ना? साहिल की आंखों में आंसू देखकर अवनी, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसने मुंह बनाकर कहा, हे भगवान, यह मेरा भाई आंसुओं की टंकी लाता कहाँ से है? काश मेरे पास भी होती। इतना सोचकर अवनी अपने हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट को फाड़कर चिप्स खाने लगी। वही कुहू ने मुंह बनाकर मन ही मन कहा, बेबी का तो प्लान ही फ्लॉप हो गया आज, वरना दादू की और बड़ी दादी की तो मैं शादी ही करा देती, कितना मजा आता। इतना सोचकर वह एक बार फिर से सबकी तरफ देखने लगी। उसने मन ही मन को सोचा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही पीहू जब कमरे के ऊपर पहुंची, तब किसी ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा। पीहू ने हैरानी से अपनी नज़र घुमाकर देखा तो उसे कमरे में चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया। इस वक्त वो किसी की मजबूत बाहों में थी। वो इस इंसान को कैसे नहीं पहचानती? ये तो उसका प्यारा पतिदेव था, जो कि उससे रूठ कर चला गया था। उसने एक नज़र अंधेरे में चमकते अपने पतिदेव को देखा और धीरे से कहा, अक्षु। अक्षय ने उसके कानों के पास गर्म सांसें छोड़ते हुए पहचान लिया, बीवी। पीहू ने अपनी दोनों बाहें अक्षय के गले में डालकर थोड़ी उदासी भरी आवाज में कहा, आप मुझसे अभी भी गुस्सा है? अक्षय ने मधोशी भरी आवाज में उसके कान के पास अपना चेहरा घुमाकर कहा, नाराज होता तो अब तुम मेरी बाहों में नहीं होती, मैं तुमसे रूठ कर चला गया होता। ऑफिस जाने के बाद मैंने कुछ सोचा कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। मैं इस तरह से तुमसे तुम्हारे सपने नहीं छीन सकता, पर मैं क्या करूं, नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और की बाहों में। इतना कहकर उसने पीयू का चेहरा अपने हाथ में भर लिया। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अक्षय पीहू को कमर से पकड़कर खुद खरीद खींच कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, है वो क्या है ना, मैंने
अपनी बीवी को गुस्सा दिला दिया था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था अपनी प्यारी इकलौती बीवी को मनाना। अक्षय की बात सुनकर पीयू ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, अच्छा जी। अक्षय ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर टाइट करके उसे खुद के करीब चिपकाते हुए कहा, बिल्कुल। इस वक्त दोनों एक दूसरे से महज 1 इंच की दूरी पर थे, उनके बॉडी के पार्ट्स भी आपस में टच हो रहे थे। अक्षय तो आज पीहू को काफी दिनों बाद अपने करीब देखकर मदहोश हो चुका था, वही पीहू का भी हाल यही था। अब अक्षय से रुका नहीं जा रहा था, उसने पीहू को झटके से गोद में उठाया और बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पीहू ने धीरे से कहा, अक्षु अभी नहीं, अभी सिर्फ शाम हुई है, हमें नीचे भी जाना होगा। अक्षय ने मदहोशी भरी आवाज ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जान, तुम भी चिंता मत करो, हमारी बेशर्म फैमिली खुद ही समझ जाएगी कि हम उनके लिए नया खिलौना लाने का इंतजाम कर रहे हैं। आखिर उन लोगों को भी तो एक और पोता पोती चाहिए, तो उसके लिए हमें मेहनत भी तो करनी होगी ना। इतना कहकर अक्षय ने झटके से पीहू को बेड पर पटक दिया। बेड काफी ज्यादा मुलायम था जिस वजह से पीहू को झटका तो नहीं लगा पर बेड पर वो उछल गई। उसने अक्षय को घूर कर देखा, इससे पहले कि वो कुछ कहती अक्षय उसके ऊपर आकर कूद गया। अक्षय ने उसे अपने नीचे दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम्हें सुबह की गलती की सजा तो मिलेगी ना। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसे गलती। अक्षय ने उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, बहुत जल्दी पता चल जाएगी। इतना कहकर उसने अपने होंठ पीहू के होंठों पर रखे और उसे काफी पैशनेटली किस करने लगा। पीहू के हाथ भी अक्षय के बालों में चल रहे थे, दोनों एक दूसरे को लगातार चूम रहे थे। पूरे कमरे में अंधेरा ही था, बस नाइट बल्ब की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उनका परफेक्ट फिगर आसानी से दिख रहा था। अक्षय पीहू के हॉट फिगर को देखकर पहले ही मदहोश हो चुका था और पीहू भी उसकी फिट बॉडी को देखकर मदहोश हो चुकी थी। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करा रहे थे। इस वक्त सकती पीहू लंबी लंबी आहें भर रही थी। पूरे कमरे का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका था। अक्षय ने पीहू के गले पर काटते हुए कहा, तुम जानती हो ना चेरी, मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा काम है और एक्टिंग में तुम्हें इस तरह से कई एक्टर के करीब आना होगा, पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं देख पाता हूँ तुम्हें किसी और के करीब। तुम जानती हो ना, हमारी पिछली जिंदगी भी सिर्फ विशाल की वजह से बर्बाद हो गई थी। अगर तुम्हें उस विशाल से प्यार नहीं होता तो हम पिछली बार भी साथ ही होते। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने आंसू भरी आंखों से अक्षय को देखकर कहा, वादा करती हूँ इस जन्म में सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी, वरना अपनी जान दे दूंगी, पर किसी गैर मर्द को खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे मुँह से इस तरह की बातें नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं तुमसे सच में नाराज हो जाऊंगा और फिर तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अक्षय ने नाराजगी जताते हुए कहा। इतना कहकर अक्षय ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। पीहू ने आहें भरते हुए कहा, अक्षय प्लीज स्लो। अक्षय ने उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो तुम्हें पहले अपने मुंह से मरने की बात करने से पहले सोचना चाहिए था ना जान। इतना कहकर अक्षय पीहू के पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। काफी देर तक दोनों के बीच की यह लड़ाई चलती रही। आखिर में जब अक्षय ने देखा कि अब पीहू के अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, तब वो उसके बगल में आकर लेट गया। अक्षय के हटते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्षय भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। सुबह से लेकर अब तक दोनों में से किसी के दिल को चैन नहीं मिला था। भले ही अक्षय पीहू से इस तरह से गुस्सा होकर चला गया था, पर बाद में उसे खुद भी लगा कि वह कुछ ज्यादा ही कर रहा है, क्योंकि वह जानता था कि पीहू का बचपन का सपना है एक एक्टर बनने का, और एक एक्टर अगर यह सब चीजें नहीं करेगा तो उस इंसान को एक्टिंग करने का सपना ही नहीं देखना चाहिए। भले ही किस ना करना पड़े, पर दूसरे एक्टर का हाथ पकड़ना, उसे गले मिलाना, ये तो होना ही था।
अक्षय ने पीहू को अपने सीने से लगाकर उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो कि जब मैं तुमसे गुस्सा होकर चला गया था तो फिर इस तरह से मैं तुम्हें मनाने खुद क्यों आ गया। जब मैं मल्होत्रा कॉर्पोरेशन पहुंचा तब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि अगर हम दोनों इसी तरह से लड़ते झगड़ते हुए अपनी यह जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे तो फिर भगवान का हमें दूसरी जिंदगी देने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर अपने दुश्मनों के साथ लड़ना है। मैं हमारी ये लाइफ इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकता। हमें अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। हमें साथ में जीना है हमारी बेबी के साथ। हमें हमारे और दो चार बच्चे प्लान करने हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू, जो कि सीरियसली उसकी बातें सुन रही थी, उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, कितने बच्चे चाहिए आपको। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, चार भी चलेंगे, ज्यादा नहीं। पीहू ने गुस्से से कहा, मैं आपको गाय दिखती हूँ जो चार बच्चे पैदा करूंगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, दो ठीक है। पीहू ने कहा, वह हम बाद में देखेंगे, पर अभी फिलहाल मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अक्षय ने उसे सीने से लगाकर कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम्हें अभी बच्चा प्लान करना है। तुम जब चाहो तब तक अपने करियर में आगे बढ़ सकती हो। अगर तुम बच्चा नहीं भी चाहिए तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसे नहीं लगा था कि अक्षय उसके करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इस तरह से सपोर्ट करे, जबकि वह जानता था उसके परिवार वाले उसके बच्चे को देखने के लिए तरस रहे हैं। पीहू ने आंसू भरी आंखों से अक्षय को देखते हुए कहा, आई लव यू हबी। पीहू का कन्फेशन सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। उसने एक नज़र पीहू की तरफ देखा जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, फिर भी तुम ये गंगा जमुना बहा रही हो। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में यह अपने आप निकल रहे हैं। मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे पास इतने प्यारे हस्बैंड हैं जो कि मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं। आई लव यू सो मच, आप हमेशा मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते हो, जबकि पिछली बार मेरी वजह से हमारी हस्ती खेलती दुनिया उजड़ गई थी। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षय ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम क्यों बार बार वही बात लेकर बैठ जाती हो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार हम दोनों साथ नहीं थे, इस वजह से हमारे दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस बार हम दोनों एक हैं और हम मिलकर अपने दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। उन्हें इस तरह का सबक सिखाएंगे कि वह दुनिया में दोबारा पैदा होने से भी डरेंगे। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखता है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, किस चीज का। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा और कहा, इस चीज का, इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, अक्षय के होठ पीहू के होठों पर थे और वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। पीहू भी उसे रिस्पांस दे रही थी। दोनों अपनी ही दुनिया में गुम होकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। आज उनके बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। दोनों के रिश्ते में यही सबसे अच्छी बात थी कि जब भी दोनों एक दूसरे से नाराज होते थे, बजाय इस चीज के कि वह दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें, एक दूसरे से बात करके अपने रिश्ते की नींव को और ज्यादा मजबूत बनाते थे। रिश्ते में आने वाली तकलीफ और मुश्किलें ही एक रिश्ते को मजबूत बनाती है। कुछ देर बाद फिर से अक्षय पीहू के ऊपर था और उसे प्यार कर रहा था। पीहू ने थकी हुई आवाज में कहा, प्लीज अब और नहीं। अक्षय ने एक नजर अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा जिसकी सारी एनर्जी उसने छीन ली। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है बीवी, तुम मुझे टॉलरेट ही नहीं कर पाती। पीहू ने गुस्से से कहा, क्या कह रहे हैं आप। पिछले 4 घंटे से आप मुझे तंग कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो इसी चीज बात
कर रहा था, पर हमें इसे कंटिन्यू सुबह शाम करना होगा, तभी तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर अक्षय शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा। पीहू ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, आप बहुत गंदे हो। इतना कहकर वह मुंह बनाकर दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई। अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरा गंदा होना पसंद नहीं है? अक्षय की बात सुनकर पीहू के गाल लाल हो गए। पीहू ने कुछ नहीं कहा। अक्षय ने धीरे से उसके कान के पास, अगर मैं गंदा नहीं रहूंगा तो तुम एंजॉय कैसे करोगी बीवी, क्योंकि तुम तो कभी खुद से पहल करती नहीं हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू के चेहरे की लाली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। सच बात तो ये भी थी कि वो काफी इंजॉय करती थी, पर वह इस तरह से अक्षय के सामने ये सब कहने में शर्माने लगी थी। पहले हालांकि वह काफी बोल्ड हो गई थी, पर अब उसे थोड़ी थोड़ी शर्माती थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, जब तुम इस तरह से शर्माती हो ना, मेरा दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, आप बहुत बेशर्म हो, सोने दो मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। अक्षय ने भी उसे गले लगाकर कहा, मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ सोने के लिए। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सो गए। वहीं लिविंग रूम में दिग्विजय जी और अर्णव चले गए थे, बाकी सब लोग बैठे हुए थे। अब डिनर का टाइम हो चुका था, पर अक्षय और पीहू नीचे नहीं आए थे। छोटी सी कोहू भी सब लोगों ने जबरदस्ती अपने पास बैठा लिया था, क्योंकि उन दोनों का इतनी देर तक कमरे में रहना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। घर के सभी बड़े समझ गए थे कि जरूर दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, इसलिए वह कोहू को इस तरह से उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाने देना चाहते थे। पर कोहू का मुंह इस वक्त गुस्से से फूल गया था और वह किसी से बात नहीं कर रही थी। कोहू के गुस्से से लाल चेहरा देखकर साहिल ने हंसते हुए कहा, कोहू आप क्यों इतनी ज्यादा चिड़ी हुई हो? कोहू ने गुस्से से कहा, आप सब लोग बेबी को बेबी की मम्मा और डैडी के पास नहीं जाने दे रहे हो। साहिल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वह क्या है ना बेबी, आपकी मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तो बच्चों के देखने की चीज नहीं है, और वह सिर्फ हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, इसलिए आप वहां नहीं जा सकती। साहिल की बात सुनकर कोहू ने गुस्से से कहा, बेबी सब कुछ कर सकती है, बेबी को जाने दो उसके मामा डैडी के पास। कोहू की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, हम बेबी की भी शादी करवा देते हैं, कल ही हम कोहू के लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर देते हैं। इतना कहकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। वही छोटी सी कोहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुंह बनाकर अवनी को घूरते हुए कहा, बुआ पहले आप ही शादी कर लो, वरना बुढ़ापे में आपको कोई नहीं लेकर जाएगा, फिर इसी तरह से आप यहाँ पर पड़ी पड़ी बुढ़ी हो जाओगी, और इस तरह से कुंवारा नहीं मरना चाहिए, वरना आप चुड़ैल बनकर घूमोगी। कोहू बात सुनकर साहिल और सात्विक जोर जोर से हंसने लगे। वही अवनी का चेहरा गुस्से से फूल गया था। उसने कोहू की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम छोटी चुड़ैल, तुम कह रही हो कि मैं चुड़ैल बन जाऊंगी? कोहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए मुंह बनाकर कहा, बुआ आपको चुड़ैल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चलती फिरती चुड़ैल ही हो। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ भाग गई। वही अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। उन दोनों को देखकर बाकी सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। आज के लिए बस इतना ही। वैसे छोटी सी शैतान के लिए यह लोग ढूंढना चाहते हैं दूल्हा, अगर इन लोगों ने सच में ढूंढना शुरू कर दिया तो हमारा डेविल प्रिंस क्या करेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। अब आप सब लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि रीडर्स हर रोज कम होते जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूं कि आप सब लोगों को पसंद आ जाए। सच कह रही हूं, मैंने सबसे बुरा काम एक ही किया है इस कहानी में, पीहू और कोहू नाम रख के, क्योंकि दोनों के नाम लिखने ते हुए हर बार गलत टाइप हो जाता है। मेरा दिल कर रहा है इन दोनों के नाम बदलने का, यार बदलूंगी तो क्या होगा। इतने सारे ऑडियो बाय साकिल JX07। अगली सुबह।
अक्षय और पीहू का कमरा दोनों रात को एक दूसरे को गले लगाकर बिना कुछ खाए ही सो गए थे। किसी ने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए अब तक वो दोनों भूखे ही थे। सुबह सुबह पीहू उठकर बैठ गए। उसने अजीब सा मुंह बनाकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। उसने इतना कहा ही था कि अक्षय की नींद खुल गई। अक्षय ने धीरे से पीहू की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? पीहू ने मुंह बनाकर कहा, रात को आपके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया, अब मुझे भूख लग रही है। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने झट कैसे पीहू को गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। पीहू ने हैरानी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हें भूख लगी है तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे भी भूख लगी है, इसलिए हम अलग अलग नहाने की जगह पर साथ में ही नहाकर टाइम भी बचा लेते हैं और पानी भी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे घूरते हुए कहा, आप टाइम बचाने की बात कर रहे हैं या फिर रोमांस करने की? देखिए अक्षय, पहले ही आपकी वजह से मेरी कमर दर्द कर रही है और मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है, प्लीज मेरी शूटिंग है आज, आप ऐसा मत करो ना। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में जान, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर अक्षय उसे लेकर जबरदस्ती बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम से हल्की हल्की सिसकियां और तेज चलती सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अक्षय पीहू को एक बाथरोब में लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वही पीहू बेचारी उसके सीने पर सर रखकर आराम कर रही थी, क्योंकि अक्षय ने उसे बाथरूम में भी परेशान किया था। पर अक्षय काफी सॉफ्ट था, जिस वजह से उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। फिर भी वह गुस्सा थी, क्योंकि आज उसकी शूटिंग थी। कुछ देर बाद दोनों ने कपड़े पहने और नीचे चले आए। नीचे सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। तभी संगीता जी ने खुशी से कहा, तुम दोनों मेरे लिए पोता पोती का इंतजाम कर रहे थे ना? संगीता जी की बात सुनकर पीहू का चेहरा लाल हो गया। वही अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती माँ? अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने उसे घूरते हुए कहा, तू नालायक लड़के, पहले ही कहा था ना शर्माना, हमारे घर में अलाउड नहीं है, और अगर हमने शर्माया होता तो तुझ जैसा नालायक कहाँ से आया होता है ना संजय जी? इतना कहकर उन्होंने संजय जी की तरफ देखा। वही संजय जी चुपचाप अपनी चाय पी रहे थे। अचानक से उनके सामने बैठे करण जी के ऊपर गिर गई चाय। ज्यादा गर्म तो नहीं थी, पर करण जी ने संजय जी को घूरते हुए कहा, भैया ये क्या किया आपने? संजय जी ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं। सब लोग संजय जी को देखकर हंसने लगे। तभी पीयू ने अपने लाल चेहरे को छुपाते हुए कहा, बेबी कहाँ है? तभी उसे छोटी सी मगर प्यारी सी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, बेबी आपसे गुस्सा है मम्मा? पीयू ने उस तरफ देखा तो उसकी छोटी सी बेटी गुस्से से मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। वह इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि पीयू से कंट्रोल नहीं हुआ और वह दौड़ते हुए जाकर सीधी कुहू के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने इस वक्त पांडा की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वह भी बिल्कुल छोटा सा पांडा लग रही थी। पीहू ने उसके दोनों गाल पर किस करते हुए कहा, सॉरी ना बेबी, मम्मा को माफ कर दो ना। कुहू ने मुंह फुलाकर कहा, आप और डैडी ऐसे ही करते हो, आप दोनों हर बार बेबी को भूल जाते हो। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी पीहू ने उसके दोनों गालों पर फिर से किस करते हुए कहा, हम अपनी जान को कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारी जान हो ना बेबी, प्लीज हमें माफ कर दो। कुहू ने तिरछी नजरों से अक्षय को देखा और पीहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आपको कहना होगा कि आप सबसे ज्यादा प्यार बेबी से करते हो, डैडी से भी ज्यादा। इतना कहकर उसने अक्षय की तरफ देखकर आंख मारी। अक्षय ने घूरकर अपनी छोटी सी बेटी को देखा, जो उसकी सौतन बनने पर तुली हुई थी। पीहू ने कुहू के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मैं सबसे ज्यादा प्यार बेबी से ही करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पीहू की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे और कुहू, जो कि सुबह से गुस्से से फूल कर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट वापस लौट आई।
कुछ देर बाद सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। अक्षय सात्विक के साथ ऑफिस चला गया। साहिल ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, पर आज वह ऑफिस नहीं गया था। अवनी अपने कॉलेज चली गई। पीहू अपनी शूटिंग पर चली गई। अक्षय ने ही आज उसे छोड़ा। कोहू भी ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए निकल गई। जैसे ही वह स्कूल पहुंची, ड्राइवर ने उसकी कार रोकी। कार से उतरने के बाद कोहू को गेट के बाहर ही रिया और रुद्र दिखाई दिए। कोहू उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय बेबी। रिया ने भी कहा, हाय। कहा ही बेबी। कोहू ने उन दोनों को हाय कहा और फिर से दोनों का हाथ पकड़ कर अंदर ले जाने लगे। वही आज भी कोई जलती हुई नजरों से तीनों को घूर रहा था। कियान पहले ही स्कूल पहुंच चुका था। कियान के साथ इस वक्त शिवांश और अयान भी मौजूद थे। तीनों एटीट्यूड से चलते हुए अंदर जा रहे थे कि उनके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, जो कि कोहू की वजह से था। वही कोहू, रुद्र, रिया अपने क्लास में चले गए। तीनों ने अपनी बैग रखी और फिर बाहर आकर कैंपस में घूमने लगे। उनका स्कूल काफी बड़ा था, किसी बड़े से कैंपस की तरह, जहाँ पर बच्चों के लिए हर एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग पूल लेकर बच्चों को अटेंड करने के लिए बड़ा सा सेमिनार हॉल भी था। कुहू, रुद्र दोनों इस वक्त ग्राउंड में घूम रहे थे। रिया इस वक्त क्लास में बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी रुद्र ने कुहू की तरफ देखकर कहा, बेबी तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, तुमने भी नहीं बताया। कुहू की बात सुनकर रुद्र ने छोटा सा चेहरा करते हुए कहा, तुमने पूछा ही नहीं। कुहू ने कहा, तो अब बताओ। रुद्र ने कहा, हमारी फैमिली में मैं, मम्मा, डैडी, चाचू, चाची, रिया, हम इतने ही लोग हैं। बेबी अब तो तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। कुहू ने कहा, मेरी फैमिली में मेरे बड़े दादी, बड़े दादू, दादाजी, दादी माँ, छोटे दादाजी, छोटी दादी, बुआ, साहिल, चाचू सात्विक, चाचू, मम्मा, डैडी और मैं। कुहू की फैमिली के बारे में जानने के बाद रुद्र ने हैरानी से कहा, तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, इससे भी बड़ी है, पर तुम्हारे छोटे से दिमाग में यह बात नहीं आएगी, इसलिए बेबी ने तुमको सिर्फ आधे ही लोगों के बारे में बताया। कुहू की बात सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी मैं स्टुपिड नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है, तुम मुझे बता सकती हो। कि कुहू ने एटीट्यूड से कहा, पर बेबी को अब तुम्हें नहीं बताना। कुहू की बात सुनकर रुद्र का मुंह बन गया। दोनों अभी घूम ही रहे थे कि अचानक से कुहू का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने की वजह से छोटी सी कुहू के घुटनों में खरोच आ गई और वह दर्द के मारे जमीन पर ही बैठ गई। उसकी स्किन काफी ज्यादा गोरी और सेंसिटिव थी, जिस वजह से उसका गोरा गोरा घुटना छिल गया था और वहां पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर रुद्र घबराते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बेबी तुम्हें दर्द हो रहा है। हालांकि कुहू के चेहरे पर दर्द नजर नहीं आ रहा था, पर थी तो वो एक छोटी बच्ची ही, उसे दर्द हो रहा था। पर उसे अपने पापा की तरह दर्द दूसरों को दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी अचानक से कोई दौड़ते हुए आया और झटके से कुहू को गोद में उठा लिया। सब लोगों ने ध्यान से देखा तो सामने कियान खड़ा था। कियान कुहू से 5 साल बड़ा था, तो उसने आसानी से कुहू को गोद में उठाया। कुहू ने गुस्से से कहा, तुमने बेबी को क्यों उठाया, छोड़ो बेबी को, बेबी खुद चल सकती है। कियान ने गुस्से से कुहू को घूरते हुए कहा, अपना ये छोटा सा मुंह बंद करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। कुहू ने गुस्से से कहा, कहा ना बेबी को तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। कियान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे लेकर स्कूल में बने मेडिकल रूम की तरफ दौड़ने लगा। उसके पीछे ही शिवांश, अयान और रुद्र भी दौड़ने लगे। कुछ देर बाद एक छोटे से बेड पर कुहू लेटी हुई थी और डॉक्टर उसके पैरों को धीरे धीरे डेटॉल से साफ कर रही थी। उसके छोटे से घुटने पर छीलने के निशान पड़े हुए थे। डेटॉल के कारण को दर्द के कारण अपने बेड की चादर को कस के मुठ्ठी
मैं पकड़ रही थी उसका छोटा सा चेहरा दर्द के कारण लाल पड़ गया था, जिसे देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह आगे बढ़ गया। उसने कुहू को हाथ लगाना चाहा, तभी किसी ने कुहू का छोटा सा सर धीरे से अपने सीने पर रखकर प्यार से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो कियान प्यार से कुहू के बालों को सहला रहा था। दर्द के कारण कुहू भी इस बार उसे खुद से दूर नहीं किया। डॉक्टर ने जब कुहू के घुटने पर पट्टी बांध दी, तब डॉक्टर का ध्यान कियान की तरफ गया। कियान कुहू की तरह ही पूरे स्कूल में फेमस था। हालांकि कुहू ज्यादा फेमस तो नहीं थी, पर इतनी जल्दी वह काफी फेमस हो चुकी थी। पर कियान के रूड बिहेवियर को सभी लोग अच्छे से जानते थे। वही आज उसे इस तरह से एक छोटी सी बच्ची की केयर करता देख वह डॉक्टर भी हैरान हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कियान की फैमिली के बारे में सब लोग जानते थे। वो राजपूत परिवार का इकलौता वारिस था। तो आइए आपको बता देते हैं कियान के परिवार के बारे में। कियान किसी नॉर्मल परिवार नहीं, बल्कि एक रॉयल फैमिली का प्रिंस था, तो उसके अंदर घमंड होना आम बात थी। कियान राजस्थान के हुकुमशाह का पोता था। कियान के दादाजी के 3 बेटे थे, जिनमें से एक कियान के पापा और बाकी 2 उसके बड़े पापा थे। उसके दोनों बड़े पापा को एक एक बेटी ही थी, जिसके बाद उसकी दोनों बड़ी मम्मी को दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं हुआ, और कियान के पापा का पहला बच्चा जो कि लड़की थी वह पैदा होते ही मर गई थी। उसके बाद कियान का जन्म हुआ, इसलिए वह इकलौता वारिस था। आगे चलकर वही राजपूत परिवार का वारिस और राजस्थान का नया हुकुमशाह बनने वाला था। डॉक्टर ने धीरे से कुहू की तरफ देखा कर कहा, मैं आपकी टीचर से कहकर आपके पेरेंट्स को बुला लेती हूँ, वह आपको लेने के लिए आ जाएंगे। कुहू ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, बेबी के मम्मी डैडी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, बेबी स्ट्रांग है, इसलिए बेबी शाम को तक ठीक हो जाएगी। उस डॉक्टर ने धीरे से कहा, देखो बेटा, आप छोटी हो और आपको चोट लगी है, आपकी मम्मी पापा को ये बात बताना जरूरी है। कुहू ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, बेबी ने कहा ना कि बेबी को अभी सिर्फ रेस्ट की जरूरत है, बेबी के मम्मा डैडी को परेशान मत करो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और चुपचाप बाहर चली गई। वही कुहू ने का चेहरा अभी भी कियान के कंधे पर रखा हुआ था और वह भी उसी बेड पर बैठा हुआ था। कुहू दर्द में थी, इस वजह से उसने कियान पर ध्यान नहीं दिया। तभी कियान के कानों में रुद्र की चिंता से भरी आवाज सुनाई दी। रुद्र ने चिंता करते हुए कहा, बेबी तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? कुहू ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बेबी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बेबी के डैडी ने उसे बचपन से स्ट्रांग बनाया है और बेबी को इतनी छोटी चोट से दर्द नहीं होता। हालांकि वह ये जरूर कह रही थी, पर उसे दर्द तो हो रहा था। आखिर वह एक छोटी सी बच्ची थी जो कि एक नाजुक फूल की तरह कोमल थी। बचपन से अक्षय ने उसे कभी एक खरोच भी नहीं लगने दी थी। हालांकि जब कभी भी कुहू ब्रूजों के साथ खेलती थी, तब कभी उसे चोट लग जाती थी, पर अक्षय ने जितना हो सके अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश की थी। कियान ने एक नज़र शिवांश, शयान और रुद्र को घूरते हुए कहा, तुम लोग क्लास में जाओ। रुद्र ने कहा, सीनियर आप चले जाए, मैं बेबी के साथ हूँ। रुद्र की बात सुनकर कियान ने गुस्से से कहा, निकलो अभी के अभी यहाँ से। कियान की आवाज में गुस्सा महसूस करके रुद्र वहां से भाग गया। वहीं शिवांश और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए दोनों भी चले गए। अब कुहू स्कूल के छोटे से हॉस्पिटल रूम में बेड पर बैठी हुई थी और कियान उसके बेड पर बैठकर उसके सर को धीरे धीरे सहला रहा था। कुहू ने उसके हाथ को घूरते हुए कहा, कहा ना बेबी स्ट्रांग है, अब तुम भी जाओ, बेबी को सोने दो। कियान ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। इतना कहकर उसने धीरे से कुहू को लियाया और उसके छोटे से पैर को देखा, जिस पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी। कुहू के छोटे से जख्म को देखकर भी कियान के दिल में दर्द हो रहा था। वह कुहू को इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता था। वही इंजेक्शन के असर से कुछ ही देर में कुछ कुहू सो गई। कियान प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा। कियान धीरे से उसके गोरे गोरे गालों को देखा, जो कि कुछ ज्यादा ही फूले हुए थे, पर इससे कुहू और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी।
कियान ने धीरे से एक गीला तौलिया उठाया और कुहू के पूरे पैरों को साफ करने लगा। कुहू की फ्रॉक उसके घुटनों से ऊपर तक थी, जिस वजह से कियान आसानी से उसके पैरों को साफ कर सकता था। कियान ने एक नजर को कुहू के चेहरे की तरफ देखा, जो कि सोने की वजह से और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। वह आकर उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी गर्ल आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ पीहू की शूटिंग लोकेशन। आज का सूट आउटडोर होने वाला था। इस सीन में सारा यानी कि पीहू को एहसास होता है कि वह अखिल के लिए क्या फील करती है। ये सीन एक तालाब के किनारे शूट किया जाने वाला था। इस वक्त पीहू और आशीष दोनों तैयार हो चुके थे। इस सीन में सारा ने एक नॉर्मल सी टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था, जो कि वह नींद से उठकर दौड़ते हुए अपने घर के पास बने तालाब के पास आती है, जिस वजह से उसने रात को सोने के लिए पहनने वाले नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। उसे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस वक्त वो तालाब के किनारे खड़ी होकर तालाब को अपनी सूनी आंखों से देख रही थी। कैमरा शुरू था और आशीष भी पीहू की एक्टिंग देखकर काफी खुश था। डायरेक्टर ने कहा स्टॉप कर दिया। पीहू थोड़ी दूर से दौड़ते हुए आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, पीहू की एक्टिंग करने लगी। उसने तालाब को देखकर अपनी दोनों बाहें खुली और अपना चेहरा आसमान की तरफ करके कहने लगी, आई लव यू अखिल, मुझे नहीं पता कैसे पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी अखिल यानी कि आशीष की सीन में एंट्री होती है। ये इस तरह से दिखाया जाने वाला था जैसे सारा सपने में अखिल को खुद के पास इमेजिन करती है। अखिल यानी कि आशीष आकर पीहू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करके कहा, सारा क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी, जिंदगी भर के लिए मेरी बनकर। सारा यानी कि पीहू ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ देकर कहा, हमेशा के लिए, जब तक जिंदगी है तब तक के लिए। अखिल ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी हथेली को चूम लिया। इसी के साथ सीन पूरा हुआ और डायरेक्टर ने कट कहा। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को थम्सअप का इशारा किया। पीहू और आशीष ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए वापस अपनी वैनिटी में चले गए। वही सेट पर मौजूद करण और माया गुस्से से आशीष और पीहू को घूर रहे थे। उन दोनों की शूटिंग तो नहीं थी, पर उन दोनों ने जबरदस्ती डायरेक्टर से यहां आने की इजाजत मांगी थी। डायरेक्टर उन दोनों को फिल्म में होने के कारण शूटिंग देखने के लिए आने से मना भी नहीं कर सकते थे। डायरेक्टर इस बात से अनजान थी कि इन दोनों ने कुछ नया कांड करने की प्लानिंग की है।